कांग्रेस आगे आदरणीय राठौर साहब और ये सब इस मामले का संज्ञान लें और इस ओछे मानसिकता वाले आदमी को जूते मार के भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलवाए। शीर्ष नेतृत्व से यही मांग है कि इस आदमी को तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए और आपके माध्यम से आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ और हमारे राजीव सिंह जी शेखावत, विक्रम सिंह जी जाखड़ और दशरथ सिंह जी शेखावत से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन समाज इस व्यक्ति से नाराज था लोकसभा चुनाव में पिलानी में जब आप लोगों ने आम सभा की और भरी सभा में शुभकर्ण चौधरी ने यह कहा था कि जिस दिन मैं राजपूत समाज के खिलाफ होऊंगा वो दिन मेरा राजनीतिक जीवन का अंतिम दिवस होगा, तो आज वो अंतिम दिवस आ गया। आदरणीय राठौड़ साहब और ये सब इस मामले का संज्ञान लें और इस ओछी मानसिकता वाले आदमी को जूते मार के भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलवाएं। धन्यवाद। परंपरागत वोटर भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, जो लोग इनेलो और लोकदल वाया होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो लोग जो पिछले अभी लोकसभा चुनाव में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव के समय आदरणीय राजेंद्र राठौड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिंह जी शेखावत, विक्रम सिंह जी जाखड़ और दशरथ सिंह जी शेखावत के कहने पर हमने समाज के पांव पकड़कर जिस आदमी के पक्ष में वोट डलवाए, 36 कौम के लोगों ने जिसको लोकसभा चुनाव में 5,35,000 वोट दिए, परसों 15 तारीख को ऐसा नेता एक समुदाय विशेष के नाजायज मांग के धरने में आता है, उससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। धरने में आता है, सभा में आता है, वहां तक तो ठीक, लेकिन उस सभा में आके सामाजिक ताना बाना खराब करने के लिए, हमारे अंदर जातीय वैमनस्यता पैदा करने के लिए उस लड़की को, उस कुल केतु लड़की को, जो जिसने कुल का नाम खराब किया, कुल को कलंकित किया है, उस लड़की को महान बताता है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू रीति रिवाज में भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की संरक्षक के रूप में जानी जाती है, ऐसी पार्टी का लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी यहाँ सूरजगढ़ की धरती पर आकर ये कहता है कि जो प्रेम विवाह किया, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ संस्कृति अनुसार विवाह कोई दो लोगों का मेल नहीं, विवाह हमारे धर्म के अंदर, हमारे संस्कृति के अंदर दो परिवारों का मेल होता है जो यज्ञ हवन आदि करके संपन्न किया जाता है, और वो उस प्रेम विवाह को अपनी मोहर लगाकर प्रमाणित करना चाहते हैं और समाज में ये मैसेज और बच्चियों को देना चाह रहे हैं कि आप अगर घर से भक्ति हो तो कोई दिक्कत नहीं। उनका साफ ये कहना कि इस सृष्टि में भगवान ने प्रेम जो बनाया वो सबसे उत्तम चीज बनाई, लेकिन मान्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो प्रेम माँ की ममता और पिता के दुलार से बड़ा नहीं है। हम इस चीज का पोज दर्ज करा रहे हैं। आप बड़े लोग हो सकते हैं, आप लोग जब संबंध करते हो तो कोई राजनीतिक या व्यापारिक फायदे के लिए अपने बेटे बेटियों के रिश्ते कर देते होंगे, लेकिन हम आम लोग, आम परिवारों में ये धारणा है कि लड़की के माता पिता योग्य वर देख के यज्ञ हवन आदि करवा के और लड़की को सह सम्मान विदा करते हैं, और आप ऐसे समाज में प्रेम विवाह का नाम लेकर ये वैमनस्यता पैदा करने का जो घिनौना काम आप कर रहे हैं, आप जो संदेश समाज को देना चाह रहे हैं, हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। और आज तो आपका पुतला जलाया है, आने वाले समय में आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। आज मीडिया के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करता हूं कि ऐसी संकीर्ण निम्न कोटि के सोच रखने वाले नेता को
तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए, अन्यथा एक तरफ आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ पूरे जिले भर के अंदर ये हमारी टीम है, अजीत सिंह जी, अनिल सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी, नवीन सिंह जी, वकील साहब, ये सारे के सारे वो युवा लोग हैं जो गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे, और ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का वातावरण दूषित होगा और पार्टी का जो वोट बैंक है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से खिसकेगा। इनके खिलाफ आगे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। जिन लोगों ने इस सभा के माध्यम से उन माता पिता की भावनाओं पर कुठाराघात किया है जिनकी बच्चियां घर से निकल गई हैं, और ये लोग बच्चियों को घर से निकलने के लिए प्रेरित करने वाला वक्तव्य यहाँ पर आकर देते हैं, हम इसका विरोध दर्ज करवाते हैं। क्या सुकर्ण चौधरी जी का आपने पुतला जलाया? मुख्य उद्देश्य यही है कि सुकर्ण चौधरी का यहाँ आना और आकर स्टेटमेंट जो देना, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि प्रेम विवाह करना कोई गुनाह नहीं, माननीय आप उन लोगों से पूछें, उन माता पिता से जाके पूछें जिनकी बच्चियां कोई जिहाद का शिकार होगी, किसी के चुंगुल में फंस कर निकल गई, उनके परिवार पर क्या बीत रही है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे सामाजिक सिस्टम में बेटी को, हमारे समाज के अंदर बेटी को पूरी इज्जत से रखा जाता है, पूरे मान सम्मान से रखा जाता है, और हमारा बेटी जो है वो कुल की मर्यादा का प्रतीक होती है, और उस मर्यादा को लांघकर जो बेटियां अपने कुल को कलंकित करने का काम कर रही हैं, आप उसको सम्मानित बेटी कहकर पुकार रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट रूप से ऐसी बेटियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं।